वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 9 पार्ट 3 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन का पार्ट 3 का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, केवल बांग्ला वर्सन का क्वेश्चन अवेलेबल है और उसी को ट्रांसलेट करके कुछ स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 को इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के द्वारा ट्रांसलेटेड क्वेश्चन को हल करते हैं और हिस्ट्री क्लास 9 पार्ट 3 मॉडल एक्टिविटी टास्क को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसमें पहला है कौ नंबर यंग इटली। देखिए, फ्रांस में जोसे मेजनी ने अपने प्रयास से 1831 ईस्वी में यंग इटली तरुण इटली नामक समिति की स्थापना की। तरुण इटली भी एक गुप्त समिति थी जिसका कार्य मात्र षड्यंत्र करना ही नहीं वरन इटली के लोगों को शिक्षा देकर उनमें देशभक्ति तथा देश के प्रति कर्तव्य की भावना उत्पन्न करना था। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ख नंबर को देखते हैं जिसमें दिया गया है जेलवेरिन के ऊपर में लिखना है 2-3 लाइन। चलिए, जर्मन राज्यों के आंतरिक व्यापार में शुल्क की असमानता और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए जर्मन अर्थशास्त्री मैजन के प्रयास से एवं प्रशिया के नेतृत्व में विभिन्न जर्मन राज्यों को लेकर 1818 ईस्वी में एक आर्थिक संघ व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसे जेलवेरिन कहा गया। जेलवेरिन के द्वारा प्रशिया के राज्य परस्पर स्वतंत्र व्यापार करने लगे और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया को छोड़कर सारे राज्य इसके सदस्य बन गए। ग नंबर देखिएगा, रिसार्जिमेंटो। रिसार्जिमेंटो इटली के पुनर्जीवन का आंदोलन था जिसने राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को अनुप्रेरित किया था। 1815 ईस्वी के बाद इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विद्रोह के फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों को कारागारों में डाल दिया गया और हजारों क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया। इन निर्वासित व्यक्तियों में कार्दोसू, अल्फराई, फास्केलो, लियोपार्डो आदि प्रमुख विचारक व लेखक भी थे। इन लोगों के द्वारा इटली में चलाया गया प्रतिरोध आंदोलन जो मुख्य रूप से नैतिकता प्रधान था और जिसका आधार इटली का प्राचीन गौरवमय इतिहास था, रिसार्जिमेंटो कहलाता था। तो इस तरह से आप ग नंबर भी कंप्लीट कर लिए और दो हैं घ और अंग जिसको हम एक के बाद एक देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं घेटो। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी में यहूदियों को गैर नागरिक समझा जाता था। उनके रहने के लिए पृथक बस्ती होती थी जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता था। ऐसे ही पृथक वस्तु को घेटो कहा जाता था। इन घेटों में यहूदियों का जीवन नरक तुल्य था। ये लोग गरीबी का जीवन बिताते थे, अतः वे रोगी की तरह दिखाई देते थे। अंगा नंबर देखिएगा, फैक्ट्री प्रथा। रिचर्ड आर्कराइट को फैक्ट्री प्रथा का संस्थापक कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रथा का उदय हुआ और विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक इंग्लैंड में विशाल कारखाने खुल गए और नगर बड़ी बड़ी धुआं उगलती चिमनियों से भर गया। कारखानों की स्थापना से पहले दूर दूर के गांवों में फैले वस्त्र उद्योगों पर नियंत्रण लग गया। इसके फलस्वरूप इनका उत्पादन एक ही स्थान पर और एक ही छत के नीचे होने लगा। इससे उत्पादन की प्रक्रिया एवं इसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 पार्ट 3 हिस्ट्री को, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं जिसमें क स्तंभ को ख स्तंभ के साथ मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहला चॉइस है मैटरनिक व्यवस्था के साथ में मिलान किसको करेंगे, डी को, यूरोप में पुरातन तंत्र की व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा। तो
नंबर टू को देखिए, 20 मार्क, 20 मार्क के लिए रक्त और या रक्त व लोह नीति। तीन नंबर को देखिए, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इसके लिए ए नंबर, भूमिदासों का मुक्तिदाता। मार्क्स, चार नंबर मार्क्स और एंजल्स, इसके लिए ई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पांच नंबर प्रूडो, प्रूडो के लिए हो गया बी नंबर, नाजीवादी। तो इस तरह से देखिए, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का ई और 5 का बी। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी के साथ में फेसबुक और ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जाकर जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें दिया गया है 7-8 वाक्यों में उत्तर लिखो। ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको 7-8 वाक्य में पूरा करना संभव नहीं था। आप इसको खुद चाहें तो छोटा कर सकते हैं, किंतु मैंने कोशिश किया है कि इसमें सारे मटेरियल्स को डाल दिया जाए ताकि आप इसको खुद छोटा करके लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप खुद छोटा करके इसको बना सकते हैं, किंतु पहले ही मटेरियल कम रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक यांत्रिक आविष्कार के साथ इंग्लैंड के शिल्प विप्लव मतलब औद्योगिक क्रांति के संपर्क का विश्लेषण करो। कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक जो आविष्कार है उसके बीच और इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के बीच एक संबंध है, उसी को बताना है और दिखाना है। आप सीधी बात समझ लीजिए, वैज्ञानिक आविष्कार अगर नहीं होगा तो औद्योगिक क्रांति तो होगा ही नहीं, तो एक दूसरे से यह संबंधित ही है। कैसे है, देखिए, औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। वैज्ञानिक यांत्रिक आविष्कार और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः वैज्ञानिक यांत्रिक आविष्कार शिल्प विप्लव या औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रमुख कारण थे। ठीक है, नंबर वन देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। 1800 ईस्वी तक इंग्लैंड में यांत्रिक विकास हो चुका था और इस कारण कृषि कार्य के लिए आवश्यक यंत्र जैसे ड्रिल, होइंग आदि से बीज बोने और खेत जोतने में कृषकों को बड़ी सहायता मिली थी। वस्त्र उद्योग में फ्लाइंग शटल, उड़न तूरी, करघा जिसको बोलते हैं, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाम है जॉन के। इस आविष्कार से कम समय में अधिक बुनाई होने लगी। बाद में जेम्स हारग्रीव्स का स्पिनिंग जेनी, सैमुअल क्रैम्पटन का स्पिनिंग म्यूल और एडमंड कार्टराइट का पावर लूम ने सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दिया। ठीक है, तो ये सब आविष्कार हैं जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में बहुत मदद किया था। इतना ही नहीं, इसके साथ में सेकंड पॉइंट देखिए, यातायात और परिवहन के क्षेत्र में जॉर्ज स्टीफेंस का वास्तु 40 रिलीजन। ठीक है, वेल के यांत्रिक साधनों ने औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन ला दिया। यातायात और परिवहन के क्षेत्र में जॉर्ज स्टीफेंस का वास्तु 40 रेल इंजन। ठीक है, वेल के यांत्रिक साधनों ने औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन ला दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, कोयला के खानों में काम करने वालों के लिए सर हेनरी डेवी का आविष्कार जो सेफ्टी लैंप कहलाता औद्योगिक क्रांति में अचूक परिवर्तन ला दिया। क्यों? क्योंकि रात के समय में भी कारखानों में या फिर कोयला के खानों में काम करने में सेफ्टी लैंप काफ़ी मददगार हुआ। वहाँ पर सेफ्टी लैंप की मदद से कोयला के खानों में खुदान करना, उसमें आग नहीं लग पाता था क्योंकि उसमें एक अलर्ट भी रहता था, तो काफ़ी हद तक सेफ्टी लैंप मदद किया। कोयला का उत्पादन ज़्यादा हुआ, काफ़ी औद्योगिक क्रांति में मदद मिला। तो देखिए, तार हो गया, टेलीफोन हो गया, टाइपराइटर के आविष्कार ने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में मदद किया। चौथा और अंतिम पॉइंट देख लीजिए, अब्राहम डर्वी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया। हेनरी कोट ने कोयला के इस्तेमाल कर कच्चे लोहे की अशुद्धियों को दूर करने का तरीका निकाला। इसके फलस्वरूप लोह उद्योग में विशाल परिवर्तन दिखने लगा। अतः नई मशीनों की खोज और निर्माण के कारण बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हुए और उत्पादन में अद्भुतपूर्व वृद्धि हुई।
अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें दिया गया औपनिवेशिक शक्ति या औपनिवेशिक शक्तियाँ जो थीं वो चीन और अफ्रीका को अलग क्यों करना चाहती थी। कहने का मतलब क्वेश्चन बांग्ला से रूपांतरित किया गया है, यहाँ पर एक्चुअली उसका मीनिंग है औपनिवेशिक शक्तियाँ चीन और अफ्रीका को क्यों विभाजित करना चाहती थी, क्या मकसद था। तो सीधी सी बात है, उसको विभाजित करने का मकसद था कि वहाँ पर साम्राज्यवाद की स्थापना करें और वहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेस को अपने लिए प्राप्त करें। बस यही दो चीज़ है जिसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट्स चीन को लेकर और अफ्रीका को लेकर अलग अलग लिखेंगे। आप चाहें तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, किंतु मैं तो कहूँगा कि आप इसी तरह से याद कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, चीन का औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा विभाजन के निम्न कारण थे। मंचू वंश के कमजोर और भ्रष्ट होने के कारण चीन में शासन के विरुद्ध ताइपिंग विद्रोह 1850 में चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना करने में मदद किया। 1840 से 1842 के अफीम युद्ध, अफीम वॉर, ठीक है, अफीम के लिए जो युद्ध हुआ था, में ब्रिटेन से हारने के बाद चीन की नानकिंग की संधि करनी पड़ी चीन को, और हांगकांग को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा तथा 5 बंदरगाह खोलकर बिना रोक टोक व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ी। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का हिस्ट्री मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 को। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी पेकिंग को घेर कर 1857 ईस्वी में टीन स्टीन की संधि की और अफीम के व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। तीसरा पॉइंट देखिए, 1860 ईस्वी में यूरोपीय लोगों ने चीन के आयात निर्यात करों को लगाना और वसूल करना अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार एक नया साम्राज्यवादी शोषण आरंभ हुआ। तो इस तरह से शोषण चलने लगा, ठीक है। पहले केवल इंग्लैंड और फ्रांस आ गया, फिर यूरोपीय लोग का आना जाना शुरू हो गया। साथ में फोर्थ नंबर पॉइंट में देखिए, रूस ने मंचूरिया के समुद्री तटवर्ती भाग पर अधिकार कर लिया और 1860 ईस्वी में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह खोल लिया। साथ ही रूस ने मंचूरिया में रेलवे लाइन का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से रूस भी आ गया, ठीक है। 1897 ईस्वी में जर्मनी ने किया चाउ को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया। फ्रांस ने क्वांग चाउ को पट्टा पर ले लिया और इसने टोकिन से यूनान तक रेलवे लाइन बनाने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता और लूट खसोट के कारण चीन का विभाजन हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप इसको सजाकर और चाहें तो छोटा करके किसी पॉइंट को आप हटाकर लिख सकते हैं। अब चलिए आप अफ्रीका के विभाजन के कारण को समझते हैं। कारण वही है किंतु किस तरह से हुआ, इस चीज़ को इस क्वेश्चन में लिखने के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए, साम्राज्यवाद के कारण औपनिवेशिक शक्तियों ने अफ्रीका पर अधिकार करने की नीति अपनाई और अफ्रीका का औपनिवेशिक शोषण किया। पहला पॉइंट देखिए, शासक बेल्जियम सम्राट लियोपोल्ड ने ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया और स्टेनली की मदद से अफ्रीका महादेश में कांगो के विशाल राज्य की स्थापना की। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट्स लेगुड़ी और हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2-3 का ख नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर पॉइंट को देखते हैं, अफ्रीका के विभाजन की योजना के नवंबर 1884 ईस्वी में बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है, और यह फरवरी 1885 तक चलता रहा। विभाजन की योजना के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया नवंबर में, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, के लिए नवंबर में सम्मेलन बुलाया गया और 85 तक चलता रहा। अमेरिका के जनरल अधिनियम के तैयार होने के बावजूद भी यूरोप के राष्ट्रों ने अपने अपने ढंग से अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करना आरंभ कर दिया। तो इस तरह से देखिए, केवल ये मत देखिए कि यूरोपीय देशी या राष्ट्रीय केवल अधिकार करने में नहीं लग गए अफ्रीका पर, अमेरिका भी आ गया।
तीसरा पॉइंट देखिए, अफ्रीका के विभाजन में फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इन साम्यवादी देशों के कारण भले ही अफ्रीका का विभाजन हो गया, पर उत्पन्न कटुता का निवारण युद्ध से नहीं वरन कूटनीति के द्वारा कर लिया गया। तो जब भी इन देशों के साथ में कभी भी विरोध एक दूसरे के प्रति होता था तो कभी भी युद्ध नहीं होता था, केवल बातचीत से कूटनीति के द्वारा ही सॉल्व हो जाता था। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फिर अमेरिका, इन सबके बीच में जब भी हुआ तो ये लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते थे। किंतु अफ्रीका का शोषण या फिर वहाँ से लूट खसोट करना ये जारी रखते थे। फलतः अफ्रीका में इनके शासन जब चलने लगा तो क्या हो गया, अफ्रीका में प्लेग जैसा जो बीमारी था वो घट गया। अमानवीय मान्यताओं को रोका जा सका, परिवहन व शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो गया। तो कुछ लाभ भी है, हानि भी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चीन और अफ्रीका को जो औपनिवेशिक देश हैं, शक्तियाँ हैं, उन्होंने क्या किया, इन दोनों देशों को स्क्रैम्बल करके रख दिया, एकदम विभाजित करके रख दिया और इनका शोषण करता रहा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 हिस्ट्री पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।